हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? अभी हो रहे हैं सुबह के 8:15 हो रहे हैं और विनीत जी लगाने गए खेत पे पानी। और मैं हमारे घर है ना, ये आलू आए थे, इनके फ्रेंड्स के घर से आए थे। ये आलू हैं, ये आलू हैं, पता है ये कोल्ड स्टोर से निकाले हुए हैं और हमने इनको वॉश भी कर लिया है। यानी वो भाई साहब हैं, उनकी मैडम के यहाँ आलू होते हैं, यानी उनके खेत हैं वहाँ पे मायके में। तो वो ससुराल घूमने गए थे राखी पे, तो उनके यहाँ से बोरी आई थी, उनकी सासू माँ ने उनके लिए बोरी रख दी, तो वो हमारे लिए भी आधी बोरी दे गए थे यहाँ पे। तो इसमें से जो है ना कुछ ख़राब निकले जो हमने अलग निकाली है, और ये कोल्ड स्टोर से निकले हुए हैं, धो के इन्हें वॉश करके मतलब, और धूप लगा के भी रखे हैं, और फिर भी इसमें डेली डेली ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मम्मी बोली डेली पराठे खाओ, डेली आलू खाओ। तो आज तो मैंने पत्ता गोभी बनानी है मेरे को, और विनीत जी खेत पर हैं, पानी लगाने गए हैं। मैं अभी रख दूँ दूध किचन में, और मैं आ गई हूँ किचन में। ये हमारी दूध की बाल्टी है। मैंने ये हमेशा, मैं जब से आई हूँ मैंने तब से यही दूध की बाल्टी देखी है, इसी में हमारी धार करके आती है। और ये जो ग्लासी में दूध निकाल रही थी, इससे हमारे इसमें हम डेली जो है अपने भगवान जी के लिए दूध निकालते हैं। मम्मी जाती है ना पथवारी पे, भोले बाबा पे, सब पे चढ़ा के आती हैं, और घर पे भी, तो इसलिए हम दूध निकालते हैं। और मेरी बन रही है सब्ज़ी, मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी, बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि जब हम ज़्यादातर सब्ज़ी लहसुन प्याज में तब बनाते हैं जब मम्मी, जैसे मम्मी का खाना खाने का मन हो, या फिर दलिया खिचड़ी पर खाएं वो, और नहीं हम ज़्यादातर सब्ज़ी सादा ही बनाते हैं, बस अपने लिए ही लहसुन प्याज बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी को लहसुन प्याज की चीज़ें मतलब कम पसंद है, खा लेती हैं पर कम पसंद है। और ये मेरे आज फिर कपड़े धुल रहे हैं, मेरे अभी कल हाथ से धोए थे, कल परसों धोए थे हाथ से, फिर कल मशीन चलाई, फिर आज, मतलब डेली से कपड़े निकल रहे हैं। हाय फ्रेंड, मैं हाली हूँ और मम्मी अभी किचन में है और वो किचन में काम कर रही है, क्योंकि अभी मम्मी को मोछा लगाना है किचन में, क्योंकि हमारी मम्मी का मोछा नहीं लगा। ये बताओ, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना तो शर्माती है बात करने में, तो पहले सोच के बैठी होगी क्या बोलूँ, तब बोल रही है ना गुगु, है ना। कपड़े धो के डाल आई थी मैं छत पे, क्योंकि ड्रायर लगा देती हूँ मैं हमेशा, कपड़ों में ड्रायर लगाती हूँ चाहे धूप निकले या ना निकले, क्योंकि मुझे काम ख़त्म करने की इतनी जल्दी रहती है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये सोचती हूँ धो के डाल दी तो फटाफट सूख जाए और मैं लेके आ जाऊँ। और फिर मैं बना रही थी किचन में खाना, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं थी, विनीत जी को भूख लग रही थी क्योंकि खेत पे पानी लगा रहे थे, वो बोले पहले खाना बना दे। और ये देखिए गरम गरम रोटी पे घी लगा के खाओ ज़्यादा सा, और ऊपर से करारी हो, पर ये करारी नहीं है तो बहुत अच्छी लगती है। काम ख़त्म अभी हुआ है और अभी विनीत जी खेत पर ही हैं, और मुझे करने ही इतने सारे कपड़े फोल्ड, ये देखो ढेर लगा हुआ है सारे में। इसलिए क्या है ना, मैंने नहाने से पहले ही मशीन में कपड़े धोती, मतलब धोती मैं नहाने से पहले ही, मतलब काफ़ी टाइम पहले धो दिए थे, नहाई लेती और फिर नहाने से पहले सारा काम ख़त्म कर लिया था, उतार के भी ले आई थी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी आज, तरह सीधे में सारे कपड़े सूख गए, और इसमें से कुछ तो कल के थे और कुछ आज के हैं, मतलब ज़्यादा आज के हैं और कल के हैं, दोनों को फोल्ड करने हैं, तो इन्हें मैं कर लूँ फोल्ड। और दीजिए वैसे दोनों खेतों में ही लगाएंगे पानी, अब पता नहीं हूँ। आज मैंने ये वही वाला सूट पहना है जो सिल के लेके आई थी, मैंने कहा निकाल लूँ फिर कब काम आएंगे कॉटन के, क्योंकि डेली के लिए ही बनवाए थे मैंने ये। और नहीं, दाग लग गया पेन की, पता नहीं कहाँ से, आई थिंक नल पे से लग गया होगा, नल पे हमारे जंग आ जाती है ना, क्योंकि अभी है ना रेनी मौसम चल रहा है, पर रेन तो कहीं होती नहीं है, थोड़ी सी आके जैसे कल आई थी सारे गीला गीला कर दिया और कुछ नहीं।
मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े हैं फोल्ड करने के लिए, तो पहले मैं करती हूँ कपड़े फोल्ड। मैं लगा रही हूँ खाना, बस मैं ही रह गई हूँ, सब ने खा लिया आज, क्योंकि मुझे कम भूख थी, क्योंकि जब विनी जी के लिए बनाया था उन्होंने एक रोटी छोड़ दी थी तो मैंने ही वो खाई थी, तो इसीलिए भूख नहीं लगी थी। तो मैंने पहले कपड़े फोल्ड किए और फिर खाना खाने बैठी। मुझे ना सूखी सब्जी के साथ दही या मठा या फिर रायता ज़रूरी हो, मैं नहीं खा। निशा जो है, आपने देखी होगी निशा, ये उनकी बड़ी बहन की बेटी है जो अभी आई हुई है। तो इसे गर्मी ज़्यादा लग रही थी, उनके घर इन्वर्टर नहीं है तो ये ऐसी हमारे घर आ गई है। बड़ी प्यारी सी है। तुमकी गोदी में बैठेगी, अब मामा की गोदी में बैठो भैया, मामा की गोदी में बैठो। अरे 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 अरे, अभी हम लोग जो है दोबारा जा रहे हैं खेत पे पानी लगा, दोबारा दूसरे खेत पे पानी लगाना है जहाँ पर ट्रॉली है वहाँ पे। मैं हूँ और तनु है, तनु भी रहा, तनु हाय हाय आगे कर रहा है, और वो एक खेत पे अभी ये रहे वहाँ पर कर। चलो चलो, धूप है काफ़ी तेज़। सुबह जो है ना पीपल वाले खेत पे जहाँ पे हमारा आम का पेड़ है वहाँ पानी लगाया था, लग चुका था तभी। हमारे बिल्कुल घेर के जस्ट सामने घर है ना, वो चाचा जी ख़त्म हो गए तो इस वजह से विनीत जी एक ही पे लग एक खेत में लगा के आ गए थे। अब दोबारा खेत पे जा रहे हैं, अभी उनको ले गए नहीं है इसीलिए मैंने घर पे कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि अब जो परसों ख़त्म हुई थी वो थोड़ा दूर थी और आज जो ख़त्म हुए ये चाचा जी, ये तो बिल्कुल जस्ट हमारे घेर के सामने है। और अभी दूसरे खेत पे जा रहे हैं, थोड़ी दूर है अभी चल रहे हैं, तो मैं मिलती हूँ आपसे खेत पे। पापा कहाँ हैं? पापा वो रहे, देखो वो बैठे सक्षम भैया है ना, और पापा देख वो पहुँच गए, देख वो रहे, देख गए दूर। चलो जल्दी जल्दी हम जहाँ जाते हैं तन्नू हमारे साथ चलता है ना तन्नू। इसे अम्मा के पास छोड़ो तो नहीं, मैं नहीं रहूँगा। क्या करेंगे भैया? ट्रॉय में नहा देंगे। अच्छा हाँ, अरे आज तो तेरे को नहला के ही मानेंगे भैया ट्रॉय में। चलो जल्दी चलो, बहुत तेज धूप पड़ रही है। नहीं।
ये है हमारे दूसरे वाले खेत के से झूड़ा वाला खेत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सड़क जा रही है तो यहाँ पे झूड़ ज़्यादा होते हैं। ये सामने मक्का है जो पक चुकी है, कट रही है आगे से, तो इनमें हम आज पानी लगा रहे हैं। तनु के पापा पानी पी रहे थे तो तनु बोला कि मैं भी ऐसे ही पीऊँगा, तो इसे पिलाना सिखा रहे थे कि ऐसे पीते हैं। और ट्रॉली का ठंडा ठंडा पानी पीने में सच्ची बहुत अच्छा लगता है, पर खराश भी हो जाती है। और जब ट्रॉली चलती है, क्या बच्चे क्या बड़े और क्या जानवर सभी नहाने चले आते हैं, पर ये लोग है ना धांग बिगाड़ देते हैं। जो रोका लगाते हैं ना वो उसको बिगाड़ के चले जाते हैं, जिससे पानी फूट जाता है, तो इसीलिए विनीची भगा रहे थे। और ठंडे ठंडी बहार, मैं इधर खड़ी थी, मैं मस्ती कर रही थी इनके साथ। मेरा मन था नहाने का पर मैं नहीं नहाई, क्योंकि फिर घर जाना है और हमारे घर वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। ये देखिए सभी उनके जो रिश्तेदार हैं वो सभी आए हुए हैं बाहर से, तो अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे आज तक नहाई नहीं हूँ, ट्रॉली पे एक बार ही नहाई हूँ बस, जब है ना बड़ी बड़ी फसल थी। इसकी जो है ना हमें कटिंग करनी है ऐसे गोल करके, नीचे से तो अच्छा है, ऊपर को तब भी ताकि ज़्यादा ना बढ़ेगा। तो इस वीडियो की एंडिंग मैं आज सुबह कर रही हूँ, क्योंकि कल जो है मैंने बताया था आपको हमारे यहाँ चाचा ही ख़त्म हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।